तो हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए बता दूं, वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास एंड इंटरेस्टेड है, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा ये कामाख्या रेलवे स्टेशन कैसा है। और यहाँ पे माता रानी का एक टेम्पल है जो मतलब बहुत ही फेमस है। जो लोग यहाँ आए होंगे तो अच्छी तरह से पता होगा, और जो नहीं आए हैं तो उनके लिए मैं बता दूंगा यहाँ की कुछ जुड़ी हुई बातें। ये कामाख्या रेलवे स्टेशन है, मुख्य गेट है, इस पे लिखा रखा है कामाख्या जंक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी लोग आया है तो उसके लिए पता है, जो नहीं आया है तो वो देख सकता है। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो क्या है, और मैं व्यू जो है वीडियो शूट किया हूँ और अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और देखिए और क्या चीज़ है। ऐसे तुम्हारे जिधर भी तुम रहते हो उधर स्टेशन पर क्या है, और इधर कामाख्या में क्या है जो आसाम में पड़ता है। जिस किसी को पता है वो ठीक है, नहीं पता है तो उसके बारे में मैं बताता जा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो ये है मेन एंट्री गेट, मतलब कामाख्या स्टेशन से यहाँ से जाते हैं। यहाँ से जब जाते हैं तो एक मतलब जो गाड़ी आती है, जैसे कि आप कहीं से आए हो तो आपके लिए लेने गाड़ी आ जाएंगी, जैसे कि जो होती है प्राइवेट बुकिंग वाली, ओला उबर वगैरह और भी होती हैं। फिर उसके बाद आप आएंगे इधर में, तो इधर में आप टिकट काउंटिंग पे टिकट कटा सकते हैं अगर आपका रिजर्वेशन है तो। आजकल तो मोबाइल से भी कर रहे हैं लोग बार, ठीक है। और जैसे कि जो जनरल टिकट है, तत्कालीन टिकट है, वो इधर में है, और इधर से टिकट कटा सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं, फिर इधर से जो है निकलने का है, लेकिन मैं इसके नीचे से निकलूँगा, और फाइनली निकल गया। और भीड़ पता नहीं क्या है, किस कोई फेस्टिवल है शायद, मतलब कोई त्यौहार है, लेकिन भीड़ काफ़ी लग रहा है। लेकिन इस साइड पे नहीं, जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे है, जो मेन एंट्री गेट से जो घुसते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पड़ता है, और मतलब काउंटिंग है 1 1 4 3 2 1 ऐसे करके है। जब मेन एंट्री गेट से घुटेंगे तो 4 नंबर गेट पड़ेगा, वो सॉरी प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। उसके बाद मैं वीडियो शूट करता रहा, और अब मैं जाता हूँ। मेरा जो टाइम तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा मॉर्निंग में ट्रेन है जो कि 5:35 पे है AM। बट मैं क्या बताऊँ आपके लिए, इस वजह से आ गया क्योंकि नाइट में आना पॉसिबल नहीं था इतना, और फिर आने के बाद मैं सो भी जाता, फिर ट्रेन में सोने का चांस ज़्यादा रहता है, इस वजह से मैं नाइट में भी आ गया। वैसे भी नींद इतना नहीं आ पाता, 12-1 बजे सोते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुवाहाटी भैया के यहाँ थे तो इतनी जल्दी नहीं सो पाते। मैं सोचा रात में ही मतलब स्टेशन पर ही रुकते हैं और वहीं मौज लेते हैं, मौज का मतलब वहीं रुकेंगे और सुबह को ट्रेन पकड़ लेंगे। अब मैं फाइनली यो है लिफ्ट से जा रहा हूँ ओवर ब्रिज पे, मतलब फ्लाई ओवर पे। यहाँ से नाइट व्यू दिखाऊंगा जो कि हिल एरिया गुवाहाटी का है, कामाख्या। आप देख सकते हो कामाख्या में जो नाइट में किस तरीके से दिख रहा है। इधर में ही कामाख्या मंदिर है, जो टेम्पल है माता रानी का। जिस किसी को पता होगा उसको अच्छा है, नहीं पता तो मैं आपके लिए बता दूं, इधर ही है कामाख्या, रेलवे स्टेशन के पास ही है। और ये मैं अपना पिक्चर लिया, फ़ोन रख के लिया, थोड़ा इस तरीके से ही आया है, बट ज़्यादा अच्छा नहीं आया, लेकिन नॉट प्रॉब्लम। और ये मैं अपना चेहरा ले लिया, खासकर फेस का, जो कि मेरा मन किया इस वजह से ले लिया, ठीक है। और आप देख सकते हैं मेरा बैग, बार बार मैं लुक दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको गुस्सा होने का कोई टेंशन नहीं है, वीडियो देखिए आगे देखिए। और ये यहाँ की आकृति बनाई है, जो कि मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ की आकृति होती है, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या वातावरण है वो चीज़ें। और मैं सुबह उठने के बाद मेरा जो ट्रेन है उसके लिए पानी का बोतल भर लिया हूँ। उसके बाद मेरा जो टिकट है वो B2 कोच में है, और मेरा सीट नंबर है 67, मतलब 67, ठीक है। तो मैं आपके लिए बता दूँ, मेरा B2 में है, तो मैं आपके लिए बता दूँ सीट कैसा है, और क्लॉथ भी मिलेंगे उसमें, मतलब कपड़े भी मिलते हैं लेटने के लिए, सब कुछ मिलता है। और मैं इधर में जाता हूँ, अभी तो लाइट नहीं आ रहा, ये इलेक्ट्रिकल का है या AC ऑन ऑफ करने का है,
अभी लाइट वाइट तो नहीं आया है क्योंकि ये ट्रेन जल्दी ही लग गया, 4 बजे लग गया, लेकिन गेट बाद में ही खुले 4:30 के समथिंग, जो कि मैं आपके लिए टाइम दिखा दूंगा वॉच में, पता ही होगा आप लोगों के लिए, जो कि असम है वहाँ पे दिन जल्दी निकल आता है। तो मैं अपना सीट चेक कर लेता हूँ, मेरा 67 है वो, हाँ दिख गया मेरा 67 सीट अपर वाला है, जो साइड अपर है, तो साइड अपर सीट है। और मैं आपको यहाँ का मतलब नाइट का व्यू दिखा दूँ, मतलब मॉर्निंग में, मतलब 4:47 पे इतना दिन निकल आया, मतलब 5 बजे भी काफ़ी दिन निकल आया। देखो सूरज जो है निकल रहे हैं क्योंकि पूरा हिल एरिया है, पहाड़ वाला एरिया है। तो मैं फिर पिक्चर ले लिया, जो मेरा सीट नंबर है उसकी मतलब कोच में ही फ़ोटो लिया। अभी मैं A1 जो होता है A1 कोच उसका फ़ोटो दिखाने जा रहा हूँ। ये A1 कोच हो गया है, इसी में एक वन साइड में 2 सीट होती हैं ओनली, तो ये A1 कोच होता है। इसकी काफ़ी क्लास होती है, वो बहुत महंगी होती है, लेकिन जो मेरा भी क्लास है लेकिन ये भी महंगा है थोड़ा, 2000 रुपये का पड़ा है, 2000 कुछ का है। तो ये मेरा कामाख्या टू आनंद विहार टर्मिनल है, इतना मतलब डायरेक्टली डायरेक्ट कराया था, ठीक है। ये AC का है वो, सॉरी आपको पता ही होगा AC का है, ठीक है। कामाख्या, ये आपके लैंग्वेज देखिए, यहाँ का कामाख्या का लैंग्वेज है। और ये दरवाजे की आप गाइडलाइंस पढ़ लीजिए जो कि दे रखी है, क्योंकि हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जैसे कि किसी को इंग्लिश आती है इंग्लिश में और हिंदी में हिंदी में। तो जो ये सीट है वो अपर वाला है, देख सकते हो आप किस तरीके का है। और वीडियो अब इधर ही समाप्त होता है।